नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑफिशियल चैनल मल्टी सेकंडमेंट स्कूल को सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों, घंटी भी बजा दीजिए ताकि नया वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू। वेलकम टू कम बैक। टुडे आई विल एक्सप्लेन क्लास 5th इंग्लिश लेसन फर्स्ट। इन प्रीवियस वीडियो आई टॉट यू पेज नंबर 5 एंड 6, सो टुडे आई विल एक्सप्लेन पेज नंबर 7। एज यू नो, दिस स्टोरी अबाउट अ किंग whose smell was very bad. So what will happen next in the story? Come on the topic. Take out page number 7. I will explain. Para number 2. Seeing the great king before him, Naren did not know what to speak. What stuck in his throat and then started in his eyes. When he cried, "Please forgive me, O great king." मतलब जब नरेंद्र ने राजा को देखा तो वो कुछ बोल नहीं सका। जो वर्ड्स थे, जो शब्द थे, वो उसके गले में अटक गए, ठीक है, और उसके आंखों में मृत्यु दिखने लगी। मीन्स वो पूरी तरह डर गया। ही वॉज फुलफिल अफ्रेड। वेन ही क्राइड, प्लीज फॉरगिव मी ओ ग्रेट किंग, देन इसके बाद वो चिल्लाया कि मुझे माफ कर दो, हे राजा मुझे माफ कर दो। पुट दैट क्राउन ऑफ ऑर्डर द किंग, राजा ने आदेश दिया किसको, नरेन को, कि अपने ताज को सर से निकाल दो। नेक्स्ट पैराग्राफ। पुअर नरेन रेस्ट हिज हैंड टू रिमूव हिज क्राउन बट कुड नॉट। ही पुट बोथ हिज हैंड्स बट कुड नॉट येट। जो बेचारा नरेन था उसने अपने हाथों को ऊपर उठाया अपने सर से ताज को निकालने के लिए, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सका। ही पुट बोथ हिज हैंड, फिर उसने अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाया, लेकिन अब भी उससे वो ताज सर से बाहर नहीं आया। ही अप्लाइड ऑल हिज स्ट्रेंथ बट टू नो एवियल। उसने अपना पूरा ताकत लगा दिया लेकिन उसका कोई लाभ नहीं हुआ। ही आस्क्ड द प्रिस्ट टू रिमूव इट बट विदाउट रिजल्ट। उसने पुजारी से अपने सर से ताज निकालने के लिए कहा लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला। द क्राउन वुड नॉट कम आउट। जो राजा के सर से ताज था, क्राउन मींस ताज होता है, वो अभी भी उसके सर से बाहर नहीं निकला। एंड देन ही आस्क्ड अदर पीपल टू रिमूव इट। फिर उसने दूसरे लोगों से उस ताज को बाहर निकालने के लिए बोला, बट दे फेल्ड टू, लेकिन वे सारे लोग भी असफल रहे। दे ट्राइड वन बाय वन, उन्होंने एक एक करके प्रयास किया। एंड देन दे ट्राइड इन ग्रुप, फिर वो एक साथ समूह बना के सबने मिलकर प्रयास किया, बट नथिंग हैपेंड, लेकिन उससे कोई परिणाम नहीं निकला। ऑल दिस वाइल द ग्रेट किंग वॉज ग्रोइंग इम्पेशिएंट। इतना सब होने के पास जो वो महान राजा था उसकी जो सहन शक्ति थी वो अब खत्म होने लगी। ही स्क्रीम्ड, स्क्रीम्ड मीन्स होता है चिल्लाना, वो चिल्लाया। डू इट क्विकली और आई विल कट योर हेड ऑफ। जो करना है जल्दी करो, अदरवाइज मैं आपके सर को काट दूंगा। नरेन वॉज कंफ्यूज एंड बीवाइल्डर्ड। बीवाइल्डर्ड मीन्स होता है घबराना। स्टूडेंट प्लीज लिसन केयरफुली, बीवाइल्डर्ड मीन्स होता है घबराया हुआ। के नरेन वॉज कंफ्यूज एंड बीवाइल्डर्ड, नरेन बहुत ही कंफ्यूज हो गया और उसके बाद वो घबरा करके बोला, ही ब्लर्टेड, एनी वन हु रिमूव्स माई क्राउन विल गेट 5,000 गोल्ड क्वाइंस। यानी जो कोई भी मेरे सर से ताज को उतार देगा उसको मैं 5,000 सोने के सिक्के दूंगा। एंड देन देयर वॉज अ लॉन्ग लाइन ऑफ पीपल हु वॉन्टेड टू अकम्प्लिश दिस टास्क। अकम्प्लिश मीन्स होता है पाना, ओके। एंड देन यानी जो लोग थे, लोगों की एक लंबी लाइन वहां लग गई उस टास्क को, उस कार्य को करके। वो 5,000 जो गोल्ड क्वाइन थे उसे पाने के लिए लोगों ने वहां एक लंबी लाइन लगा दी। नन ऑफ देम केयर फॉर द स्टिंकिंग फाउल स्मेल दैट इमिटेड फ्रॉम नरेन। किसी को भी नरेन से निकलने वाली उस बदबू की परवाह नहीं थी। सबको परवाह थी 5,000 गोल्ड क्वाइंस की और फॉर द प्राइज मनी, सबको पैसे चाहिए थे। हार्ड दे ट्राइड, टुगेदर दे ट्राइड बट द क्राउन वुड नॉट कम अप। सबने बहुत प्रयास किया, कठिन प्रयास किया, लेकिन अब भी जो राजा के, जो नरेन के सर से ताज था वो बाहर नहीं आया। सर देयर इज नो वे अदर देन टू सेवर हिज नेट, सजेस्टेड द कमांडर टू
द ग्रेट किंग, यानी सेनापति ने राजा को सलाह दिया कि मतलब हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है नरेन का सर काटने के अलावा। नो गिव मी अ चांस श्रिंक पुअर नरेन। नरेन बेचारा नरेन फिर से चिल्लाकर बोला कि मुझे एक और चांस दीजिए। ही नेवर न्यू दैट दिस कुड ब्रिंग सो ग्रेट अ कैमिटी अपॉन हिम। कैमिटी मीन्स होता है दुर्घटना, यानी नरेन ने कभी ये नहीं सोचा था कि उसके साथ इतनी बड़ी दुखद घटना घटित होगी। थ्रू ऑल दिस अ यंग चाइल्ड स्टूड इन वन कॉर्नर लुकिंग एट द ड्रामा अनफोल्डिंग बिफोर हिज आइज। शुरू से लेके अंत तक एक बच्चा जो वहां कोने में खड़ा था उसने शुरू से लेके अंत तक यह सारा घटना, यह सारा ड्रामा अपने आंखों का पलक झपकाए बिना उसने सारा ड्रामा देखा था। फाइनली द ग्रेट किंग ऑर्डर्ड हिज कमांडर टू बिहेव। मतलब अंत में राजा ने अपने सेनापति से आदेश दिया नरेन के सर को काटने का। हु वॉज नाउ वीपिंग इनकॉन्सोलेबली, जो अब बहुत ही असांत्वनीय मीन्स के बिना रुके मतलब लगातार रोए जा रहा था। ठीक है। ही क्राइज रेन द एयर व्हेन ही सॉ द कमांडर कमिंग टुवर्ड्स हिम विद हिज नेम। वह बुरी तरह से चिल्लाने लगा जब उसने कमांडर को, सेनापति को अपनी तरफ आते हुए देखा। नेक लॉन्ग शार्प शाइनिंग स्वॉर्ड, यानी चमकती हुई और तेज तलवार के साथ जब उसने सेनापति को अपनी तरफ आते हुए देखा नरेन ने, तो वह जोर जोर से रोने लगा। सेव मी ही क्राइड, बचाओ, वह चिल्ला रहा था कि मुझे बचाओ। स्वॉर्ड मीन्स होता है तलवार के। So students, I will explain next paragraph in next video. Thank you. Have a good day.